तो अभी हम लेट पुल डाउन देखेंगे। काफ़ी लोग ऐसे करते होंगे, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे तो करोगे नहीं। ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ की, एंड मैं चाहता था कि जो इस सीरीज़ की स्टार्ट हो वो सबसे पहले ब्रीदिंग से हो, कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ब्रीदिंग कैसे करना है और ब्रीद आउट कैसे करना है, मतलब एक्सहेल और इनहेल कैसे करना है। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं एंड गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए एंड उसको मैक्सिमम यूज़ करने के लिए हमें प्रॉपर टेक्निक एंड प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए ब्रीदिंग का। अब बहुत सारी वीडियोज़ आपको दिखेंगे कि उसमें वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें समझाते हैं कि कैसे वो सारा कन्वर्ट होता है। मैं उस चीज़ में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आपको उस चीज़ से मतलब नहीं है, आई मीन यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो है कि आपको जो इनहेल करना है वो अपनी नोज से करना है, एंड जो एक्सहेल करना है, जो छोड़नी है सांस, वो आपको माउथ से करनी है। जो बचपन में सिखाते थे ना स्कूल में, या फिर पेरेंट्स बताते थे कि ऐसे करो, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि नाक से सांस लो एंड मुंह से छोड़ो। इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एंड अब इस चीज़ पर आ जाते हैं कि कब आपको एक्सहेल करना है एंड कब आपको इनहेल करना है। तो इस चीज़ को पहले चीज़ दिमाग में डाल लो कि जो पावर लिफ्टर्स होते हैं या फिर जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं वो लोग करते हैं वल्सलवा मैनूवर। तो उसमें क्या होता है आपका, कि वो आपको ब्रीद ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ, जिनको मतलब स्पोर्ट या फिर हैवी इतनी लिफ्टिंग में नहीं है, मैं उनके बारे में बात बता रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पावर लिफ्टर से स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, वो मैं भी वही करता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो पावर लिफ्टर, बट मैं आपको वो चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, चीज़ें रहती हैं, तो वो बहुत अलग चीज़ होगा, वो एक जो एथलीट होगा वो ही समझ सकता है एंड वो ही उसको कंट्रोल कर सकता है। तो मैं हर किसी के लिए वो नहीं बोलूँगा। तो आप सिंपल चीज़ में, सिंपल फंडे में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको एक्सहेल करना है एंड कब इनहेल। तो जो आपका इसेंट्रिक या नेगेटिव होगा उसमें आपको इनहेल करना है, एंड जब आपको जैसे कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट होगा या फिर जब आप रिलीज करोगे, जब आपको कम एफर्ट लगाना होगा, तब आपको एक्सहेल करना है मुंह से। फॉर एग्जांपल अभी मैं खड़े खड़े दिखाऊंगा, बाद में फिर मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू समझाऊंगा। अब जैसे हम लोग ऐसे, जैसे ये हम लोग डंबल प्रेस कर रहे हैं, तो जब हम नीचे लाएंगे तो हम लोग इनहेल करेंगे नाक से, ठीक है, यहां पे आ गए। अब जब हम ऊपर जाते होंगे तब हम लोग एक्सहेल करते हो जाएंगे। तो अभी हम लेट पुल डाउन देखेंगे। काफ़ी लोग ऐसे करते होंगे, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम नीचे आते टाइम ब्रीद आउट करेंगे, मतलब एक्सहेल, और जब ऊपर जाएंगे यहाँ से टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, एंड आप कुछ टाइम में इन चीज़ों को समझोगे। सिमिलरली आप जैसे शोल्डर प्रेस देख रहे हो, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो ये ऊपर है हम लोग, ठीक है, नीचे आते टाइम इनहेल करना है और ऊपर जाते टाइम एक्सहेल, ठीक है। तो ये जैसे लेग एक्सटेंशन है, अब आप समझो इस चीज़ को, खुद समझना। तो जो भी नेगेटिव होगा, मैंने आपको क्या बोलता है, इसेंट्रिक और नेगेटिव, तो नेगेटिव हमारा कब है इसमें लेग एक्सटेंशन में, अभी हम ऊपर हैं, तो जब हम नीचे आ रहे हैं दिस इज़ योर नेगेटिव, राइट। अब हम तब हमें इनहेल करना है, एंड जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तब हमें एक्सहेल करना है, ठीक है। तो हम वापस से स्टार्ट करते हैं, ऐसे करके। तो ये एक आपको टाइम लगेगा, बट समझ जाओगे आप। जो बहुत ज़्यादा टाइम से हो रहे होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा, मुझे जैसे बहुत टाइम हो गया, तो मेरी बॉडी ने खुद ही अडेप्ट कर लिया इस चीज़ को, बट अगर आप बिगिनर हो तो आप इस चीज़ को ट्राई करोगे, अभी से एफर्ट डालना शुरू कर दो, बिकॉज ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हम जैसे स्क्वाट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो स्क्वाट्स में आपका नेगेटिव पोजिशन क्या है, नीचे जाना, ठीक है, दैट इज़ योर नेगेटिव इसेंट्रिक, ऊपर आता है इस कॉन्सेंट्रिक। तो हमने क्या किया, जैसे स्क्वाट है, हमने नाक से ऊपर आते टाइम एक्सहेल करते हुए आ गए। बाकी कोई भी आपको एक्सरसाइज या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको पूछना है कि कौन से में कब ब्रीदिंग करनी होती है, कब एक्सहेल इनहेल करना है, आप नीचे कमेंट में लिख दो, मैं आंसर कर दूंगा। एंड बाकी किसी और तरीके का भी अगर क्वेश्चन है तो वो भी लिख देना, उस पर वीडियो बन जाएगी, या फिर मैं कमेंट में लिख दूंगा अगर वो छोटा रहेगा तो। एंड
इसी सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो मेक श्योर करो आप शेयर कर दो एंड प्लेलिस्ट को सेव करके रखो। मैं जल्दी जल्दी डालूंगा, ट्राई करूंगा जल्दी जल्दी डालता रहूं। एंड इंटरमीडिएट है, एडवांस है, बिगिनर है, जिसको लेना है ले लो। बाकी पावर लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग वाली अलग होती है, जो मैं खुद भी करता हूं, उसके पीछे मत पड़ना। वल्सलवा मैनूवर वो अलग चीज़ हो गई है, जिसको आता है उसको पता है, उसके बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा हूं। दैट इज़ वेरी डिटेल्ड और वो थोड़ा अलग तरीके का हो जाएगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे इस चीज़ में। तो ईजिली समझो, इसेंट्रिक मूवमेंट है, वहाँ पर आपको इनहेल करना है कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में, तब आपको एक्सहेल करना है मुंह से। लेट्स इट, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, खुदा हाफिज़।